किडनी की सफाई करने का ये तरीका बहुत ही आसान है, घर पे भी आप कर सकते हैं अपने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, किडनी हमारी बॉडी का अहम अंग है जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखती है। दोस्तों किडनी का मुख्य कार्य ब्लड से अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त तरल पदार्थों को छानकर ब्लड को साफ करना और अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रास्ते बाहर निकालना है। स्वस्थ किडनी ही स्वस्थ शरीर के निर्माण में योगदान देती है। किडनी की सेहत का ख्याल रखने के लिए उसकी साफ सफाई रखना बेहद ही जरूरी है। दोस्तों किडनी में गंदगी जमा होने से उसमें टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, जिससे पथरी होने का जोखिम बढ़ जाता है। इस बात में कोई आशंका या दोहराने की जरूरत नहीं है कि किडनी हमारे शरीर का सबसे खास और अभिन्न अंग है। जी हाँ दोस्तों, आप इस बात को साक्ष्य के रूप में जान सकते हैं कि किडनी हमारे शरीर की पूरी तरह से सफाई करती है, साथ ही साथ हमारे रक्त को भी साफ करने का काम करती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के सभी अंगों को साफ रक्त मिलता है और शरीर का शारीरिक और मानसिक विकास बिना रुके आसानी से चलता रहता है। लेकिन इसके लिए आपको किडनी को साफ रखना बेहद ही जरूरी है, और जो तरीका आज हम आपको बता रहे हैं ये आपके बहुत ही काम आने वाला है। लेकिन इसे जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास जानकारी छूटे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर एक, दोस्तों अदरक एक तरह की आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, जिसका उपयोग अनगिनत स्वास्थ्य समस्या के उपचार में किया जाता है। इसमें अच्छी मात्रा में कैल्शियम, आयोडीन, आयरन और अन्य पोषक तत्व मौजूद हैं। यह किडनी से विषाक्त पदार्थ को दूर करने में मदद करता है। अपने भोजन में अदरक को जरूर शामिल करना चाहिए। नंबर दो, दोस्तों डंडेलियन या सिंह पैड़ी पौधे की जड़ एक बेहतर किडनी टॉनिक है, जो पित्त के उत्पादन को उत्तेजित करता है। ऐसा माना जाता है कि यह अपशिष्ट को खत्म करने, मूत्र उत्पादन बढ़ाने और पाचन में सुधार करने में मदद करता है। यह विटामिन और पोटेशियम के अलावा आयरन और जिंक जैसे खनिज का बेहतर स्रोत भी है। नंबर तीन, दोस्तों धनिया में अच्छी मात्रा में मैग्नीज, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन सी और विटामिन के साथ प्रोटीन भी होता है। जी हाँ दोस्तों, किडनी साफ करने के लिए धनिया बहुत ही फायदेमंद होता है। धनिया का उपयोग भोजन या सलाद में करना चाहिए। धनिया स्वास्थ्य की अन्य समस्या को ठीक करने में भी मदद करता है। नंबर चार, जी हाँ दोस्तों, व्हीट ग्रास कई पोषक तत्वों से भरा होता है और लंबे समय से स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। एक अध्ययन के अनुसार व्हीट ग्रास पथरी को दूर करने में मदद करने के लिए मूत्र प्रवाह को बढ़ाता है। इसमें महत्वपूर्ण पोषक तत्व भी होते हैं जो किडनी को साफ करने में मदद करते हैं। आप प्रतिदिन 2 से 8 औंस व्हीट जूस पी सकते हैं।